गुड आफ्टरनून, माय नेम इज जोशित सिंह एंड वेलकम टू ग्रिड अप इंडियाज लार्जेस्ट लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्त कैसे हैं आप लोग? एंड क्विकली प्लीज लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ईच वन ऑफ यू। एवरीबडी वेलकम 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 टू द सेशन। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ईच वन ऑफ यू? कैन यू प्लीज क्विकली लेट मी नो दैट? आवाज आ रही है, दिख रहे हैं अच्छे से? ब्लर तो नहीं दिख रही है इमेज? बेहतरीन। शुरू करेंगे आज का सेशन। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्सेस ऑन ग्रेविटी डैम। आपके सिलेबस में सिर्फ ग्रेविटी डैम है तो हम ग्रेविटी डैम को ही पढ़ेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ें भाई? सही बात, जरूरी नहीं है तो क्यों पढ़ेंगे। तो हाय रजत, नमस्ते दोस्त, क्या हाल है आपके? और बाकी सभी लोग भी फटाफट से जुड़ जाएं ताकि हम पढ़ सकें आज का जो बेहतरीन सेशन है, ऑल अबाउट योर ग्रेविटी डैम, और यू कैन से द फोर्सेस ऑन द डैम। आते जाएं, अपनी अटेंडेंस लगाते जाएं बाय हिटिंग द लाइक बटन। चलिए बेहतरीन। महेश इज ऑल्सो हेयर, नमस्ते। हाय अमन, हाय नवीन, हाय सब लोग, मस्त एकदम, सब बढ़िया। चलिए तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए जो आज मुझे पहली बार देख रहे हैं। सो गाइज, माय नेम इज जोशित सिंह, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, कहाँ थे भाई आज से पहले? हाँ, पढ़ना वढ़ना नहीं है? सो गाइज, माय नेम इज जोशित सिंह एंड आई हैव 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आई एम एमटेक फ्रॉम IIT रुड़की, गेट मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाइड, एंड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, फ्लूड मैकेनिक्स, इरिगेशन एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाता हूँ हाईवे इंजीनियरिंग, फ्लूड मैकेनिक्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग। जिस जिसको ना पता हो, और अगर आपसे मिस हो गया हो, अरे मैं तो भाई फुल पावर से ऑसम। थैंक यू सो मच रजत। गुड आफ्टरनून ऋषि, गुड आफ्टरनून सोनू, रहीना, जूली, प्रीति, कार्तिक, एवरीबडी नमस्ते एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर। हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ जिसको ना पता हो उसको मैं बता दूं कि आने वाले संडे दैट इज 29th ऑफ द नवंबर को हम लेने वाले हैं एक रिवीजन सेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि होगा सिर्फ 2 घंटे का, जिसमें हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को छूते हुए कवर कर लेंगे, क्योंकि हमने उनका जो इन डेप्थ डिस्कशन है वो सब पहले से कर लिया है। और अगर ना देखा हो आपने, आप पहले वो रिवीजन वाली क्लास देखो, जो भी कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि समझना है मेरे को और, तो आपको उसकी इंडिविजुअल क्लास भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। जिन्होंने रेगुलर अटेंड किया है उनसे तो खैर क्या ही बोलना, उनको तो पता है। जिन्होंने अभी अटेंड किया है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ओके। हाई माखन सिंह जी, कैसे हैं आप? नमस्ते एंड हाई वरिषा, गुड आफ्टरनून। तो शुरू करते हैं भाई साहब, आज का जो सेशन है दैट इज ऑन ग्रेविटी डैम। और सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं हमारे ग्रेविटी डैम के ऊपर। हमारे ग्रेविटी डैम के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं, और फिर देखते हैं कि फेलियर कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। फिर एक बार ये भी देख लेंगे फेलियर कैसे कैसे हो सकता है, राइट? ठीक है, सबसे पहले हमें जानना चाहिए ग्रेविटी डैम क्यों। ग्रेविटी डैम इसलिए क्योंकि ग्रेविटी डैम एक ऐसा तरह का डैम होता है, यहाँ पे और भी तरह के डैम होते हैं, कॉफर डैम होता है और डैम होते हैं। तो जो ग्रेविटी डैम होता है ना दोस्त, इसको पता है स्टेबिलिटी कहां से मिलती है? इसको मिलती है स्टेबिलिटी इसके खुद के वजन से, राइट? जैसे अपने वो थे ना, क्या नाम था भाई उनका, बाली थे ना आई थिंक बाली थे, या बाली के नहीं, बाली पुत्र थे, गए थे श्री अपने लंका में, और बोला था क्या कि जो मेरा पैर हटा देगा, ठीक है, तो मैं जो भी था उसमें कंडीशन, मेरे को याद नहीं आ रही है, कोई नहीं पैर हिला पाया, वही बस। ये हमारे डैम का बाली का लड़का है, मतलब बिल्कुल जगह पे टिक गया भाई साहब, कोई नहीं हिल रहा। ये अपने वजन से सारे के सारे फोर्सेस को काउंटरैक्ट कर लेगा। इसके ऊपर जो फोर्सेस लगने वाले हैं वो लगने वाला है, एक तो जो फ्लूड का प्रेशर होगा वो प्रेशर फोर्स, जो नीचे से अपलिफ्ट फोर्स लगने वाला है वो विंड का फोर्स, आइस का फोर्स, अर्थक्वेक अगर आ गया तो उसका फोर्स, सिल्ट का फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस है जो यहाँ पे एक्ट होने वाले हैं। हम सारे के सारे फोर्सेस को एक एक करके समझ लेते हैं। तो अगर आप फुल पावर के साथ रेडी हो इस सेशन के लिए, तो एक बार बहुत तेजी के साथ सभी लोग बारिश कर देंगे हार्ट साइन की इन द कॉमेंट बॉक्स, एंड लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस फोर्स की जो हमारा हीरो है। ये हमारी पिक्चर का हीरो है, यानी कि सेल्फ वेट, यही है जो बचाने वाला है सब कुछ। चाहे कोई भी विलन आ जाए, चाहे आपका प्रेशर फोर्स ड्यू टू वाटर आ जाए, चाहे आपका विंड फोर्स आ जाए, चाहे आपका कोई और भी फोर्स आ जाए, उन सबसे ये लड़ेगा अकेला, सबका बदला लेगा आपका फैसल, ठीक है। बाली नहीं सर, अंगद, ओ सॉरी सॉरी, अंगद, आई एम सो सॉरी, मैंने बोला ना उनके शायद बेटे थे, मैं भूल गया यार। उस टाइम जब लॉकडाउन में रामायण शुरू हुई थी ना, तब मैंने देखा था दोबारा, और मैं फिर उसके बाद देखना ही भूल गया, नाम भूल गया। करेक्शन इन द इंफॉर्मेशन, ठीक है दोस्त। तो सबका बदला लेगा आपका फैजल, और ये है आपका फैजल आपके ग्रेविटी डैम के लिए, यानी कि सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट को निकालना उतना ही आसान है जैसे टूथपेस्ट में से
टूथपेस्ट वाले ट्यूब में से टूथपेस्ट, बहुत ही आसान है। मतलब देखो आपको पता है कि वेट क्या होता है, आपको पता है कि वेट क्या होता है। अगर आपको मैं पूछता हूं यूनिट वेट, आप तुरंत बोलोगे सर वेट अपॉन वॉल्यूम, मैं कहूंगा ठीक है भाई डराओ मत, ठीक है। तो अगर मेरे को यहां से वेट निकालना है तो मैं यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम कर सकता हूं। अगर मेरे को वॉल्यूम पता चल जाए इस डैम का और ये बना हुआ है कॉन्क्रीट से, तो यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट इनटू वॉल्यूम क्या देगा मेरे को, वेट ऑफ द डैम, क्या देगा मेरे को, वेट ऑफ द डैम। तो सेट है भाई, पहला तो आंसर ऐसे ही आ गया आपका, पहला सेल्फ वेट तो आपने ऐसे ही निकाल लिया। अब चलो देख लो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही शेप लग रही है, कोई बात नहीं, हम इसको दो शेप में डिवाइड कर लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल का एरिया A2 बोल दिया, एक ट्रायंगल ले लिया और ट्रायंगल का एरिया A1 ले लिया। पूरे के पूरे एनालिसिस में, पूरे के पूरे ग्रेविटी डैम में जो विड्थ रहेगी डैम की, हम यूनिटी लेकर के चलेंगे, होती नहीं है, हम कंप्यूटेशन को आसान मानने के लिए यूनिटी मान करके चलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, एरिया मैंने बोल दिया A2 है, वेट मान लेते हैं W2 है जो आपका रेक्टेंगुलर हिस्सा है उसका, और W1 वेट है आपके ट्रायंगल वाले हिस्से का और इसका। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं बेहतरीन तरीके से W1 की वैल्यू क्या आने वाली है दोस्त, W1 आएगा आपका यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट इनटू वॉल्यूम, तो एरिया ऑफ सेक्शन 1 इनटू विड्थ व्हिच इज 1 ओनली, और W2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, गामा सी इनटू एरिया ऑफ सेक्शन 2 इनटू 1। यहां से मेरे पास यूनिट वेट आ गया, वेट आ गया आपका इस वाले सेक्शन का और इस वाले सेक्शन का, मतलब हमारे पूरे के पूरे डैम का वेट आ गया। तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं कि टोटल वेट जो होने वाला है दैट वुड बी गामा सी समेशन ऑफ एरिया वेयर आई विल वेरी फ्रॉम 1 to n। तो ये आपको दे देगा पूरा का पूरा सेल वेट का वैल्यू। भाई फील आ गया है तो बता दीजिए, डाउट आ गया है तो पूछ लीजिए, फील आ गया है तो बता दीजिए, डाउट आ गया तो पूछ लीजिए, क्योंकि बिना मंगाए चाय आ चुकी है। एवरीबडी सही है भाई, ये है आपके कहानी का फैजल, सबका बदला यही लेने वाला है। अब देखते हैं किससे बदला लेना है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास जो सबसे मेजर एक्सटर्नल फोर्स होता है जो डैम पे लग रहा होता है, वो होता है वो पानी का वजन, वो पानी का फोर्स जो इसने स्टोर किया होता है अपने रिजर्वायर में, जो इसने स्टोर किया होता है अपने रिजर्वायर में, वो होता है सबसे ज्यादा बड़ा मेजर एक्सटर्नल फोर्स यहां पे। तो उसको निकालने के लिए हमें यह बात पता है, अब यह हमारे लिए उतना ही आसान हो चुका है जितना केचप की बोतल में से केचप निकालना। क्यों? क्योंकि हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिया है पहले से, और क्योंकि हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पहले से पढ़ लिया है, हमें पता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है, हमें पता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अब मुझे इसमें ज्यादा कहानी या कुछ परेशान होने की बात नहीं है आपके लिए, राइट। तो अगर मैं यहां से प्रेशर फोर्स निकालना चाहता हूं तो इस ट्रायंगल का जो हमारा एरिया हो जाता है वही आपका प्रेशर फोर्स की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो यहां से जो प्रेशर फोर्स आएगा दोस्त आपको पता है, अगर मैं यहां पे प्रेशर पूछता हूं आप कहोगे जीरो है, अगर मैं यहां पे प्रेशर पूछता हूं तो आप बोलोगे रो जी एच एस आर, रो जी एच एस आर ये हाइट है एच है, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट कर दो यहां से और यहां से आप ले जाओ आंसर, तो आपका जो प्रेशर फोर्स आएगा यहां पे दैट वुड बी गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर बाय 2। बोल दो भाई, बोल दो कि टफ था, बोल दो कि टफ था। गामा डब्ल्यू कुछ नहीं भाई, रो जी, रो डब्ल्यू जी इंटू एच स्क्वायर बाय 2, चाहे तो ऐसे लिख लो जैसा आपको सही लगे, आप वैसे लिख लो, ठीक है। तो क्या किया मैंने, हाफ बेस ऑफ द ट्राइंगल इज रो जी एच एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज एच, यानी कि रो जी एच स्क्वायर बाय 2, यानी कि गामा एच स्क्वायर बाय 2। कोई शक? कोई शक? एक्ट कहां करेगा? एक्ट क्या करेगा? तो इस जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना आपका, उसके जो सीजी है वहां से पास करेगा। तो अपना जो ट्रायंगल होता है उसका सीजी बेस से कितनी हाइट पे होता है, उसका सीजी बेस से एच बाय 3 हाइट पे रहता है, और ऊपर से देखोगे तो 2/3 एच पे रहता है। अपन तो बेस से ले रहे हैं, ठीक है, अपन तो बेस से ले रहे हैं, ठीक है। अब इसी के साथ देखो क्या होता है कि अपने को ना थोड़ा सा पानी डाउन स्ट्रीम एंड में भी रखना पड़ता है, यानी कि इस जगह पे रखना पड़ता है, इस पानी की वजह से भी थोड़ा सा फोर्स लगता है, राइट। जो फोर्स होगा वो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको ये पता है हाइट कितनी है, आपको पता है ये हाइट अगर, तो ये हो जाएगा रो जी, मान लेते हैं स्मॉल एच एस का हाइट ऑफ वाटर, तो यहां से भी वही आ गया रो जी एच स्क्वायर बाय 2। ये तो फोर्स लग रहा है, लगेगा कहां पे, स्मॉल एच बाय 3 पे एक्ट करेगा। इसके अलावा दोस्त यहां पे इस वाले सेक्शन पे ये जो वाटर है ना, ये जो वाटर है ना, ये भी तो नीचे की तरफ वेट लगाएगा, ये भी तो नीचे की तरफ वेट लगाएगा। कोई बात नहीं, अगर मेरे को ये वॉल्यूम पता है तो इसको यूनिट वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वेट ऑफ वाटर आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी एक चीज ऐसी लग रही हो कि पहली बार पढ़ रहे हैं, एवरीबॉडी फुल कंफर्टेबल, सब मस्त चल रहा है एकदम अभी तक, कोई दिक्कत,
अगर सब कंफर्टेबल चल रहा है, सब मजेदार चल रहा है, एक बार जरा जोरदार तरीके से चैट बॉक्स में लिख दो बर्गर, लिख दो भाई बर्गर। मेरे को पता है बर्गर होता है, बट ठीक है भाई बर्गर लिख दो। एक बार मैं किसी होटल में था तो मैं उसको बोला, मैंने कहा एक टाल दे दे, समझ नहीं पाया मैं, तोलिया दे तोलिया टावल, तब उसको समझ आया बंदे को कि टावल मांग रहे हैं। बड़ी समस्या भाई, टावल बोलो तो लोग कहते हैं इंग्लिश नहीं आती, टावल बोलो तो समझते नहीं है, कहाँ जाएं। गजब बेहतरीन। तन में कैसे बेटा, आप कैसे लेट हो गए ये बताओ पहले तो, आप तो रेगुलर आ रहे हो तो आपको तो पता है टाइम पे आना रहता है। मैं चलो अब देखते हैं अपलिफ्ट प्रेशर। देखिए दोस्त होता है क्या है यहाँ पे कि जो वाटर होता है ना अपना, वो कभी कभी सीप डाउन कर जाता है अपने स्ट्रक्चर के नीचे, जो हम कल पढ़ने वाले हैं फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर में, ठीक है, जिसमें हम पाइपिंग पढ़ेंगे और हम लोग ये भी पढ़ेंगे अपलिफ्ट जहां पे वो लगने वाला है, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो नीचे से प्रेशर लगने वाला है ना, उसका जो हम फोर्स देखेंगे उसको हम बोल रहे हैं अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है। द अपलिफ्ट प्रेशर कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग द कट ऑफ वॉल अंडर द अपस्ट्रीम। ये कट ऑफ वॉल कैसे बनती है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, डीप कितनी रखते हैं, इंटरमीडिएट पाइल कितना होना चाहिए, क्या एक्सटर्नल पाइल भी होना चाहिए, सारी कहानियां कल देखेंगे हम लोग जब हम डिस्कस करेंगे फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। लेकिन अभी के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कितना होता है, मैग्नीट्यूड निकालना बेसिकली, ठीक है सर। तो यहां पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, देखो यहां पे दो कंडीशन है, एक जब हमारे पास हमने कोई भी प्रोविजन नहीं दिया है और हम लगने दे रहे हैं जितना वहां पे लग रहा है अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है, जितना लग रहा है लगने दो। तो अपलिफ्ट प्रेशर में दोस्त यहां पे आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो मैग्नीट्यूड होता है ये बराबर होता है इस वाले प्रेशर के इक्वल, ये कितना था, ये था आपका रोजी कैपिटल एच, तो ये अपन मैग्नीट्यूड हो जाएगा रोजी एच कैपिटल एच, मतलब ये कितना था, ये था स्मॉल एच, तो यहां पे ये हो जाएगा रोजी स्मॉल एच, दैट्स इट। इसका एरिया निकाल लोगे आपको फोर्स आ जाएगा, ठीक है, और इसका सीजी निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पे एक्ट कर रहा है। लेकिन इसको रोकने के लिए, इसके इंपैक्ट को कम करने के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं ड्रेनेज गैलरी। अब ड्रेनेज गैलरीज में क्या होता है दोस्त, कि ड्रेनेज गैलरीज दो काम करती हैं, एक काम तो वो ये करती हैं कि वो फटाफट से आपके लिए जितना भी आपका अपलिफ्ट प्रेशर होने वाला है वहां पे उसको रिड्यूस कराती हैं। और दूसरी बात जो ड्रेनेज गैलरी करती है आपके लिए, वो होता है कि वो आपका जो इंस्पेक्शन का काम होता है ना वो करने में हेल्प करती है। समझ आया बोल दीजिए, समझ तो आई गया होगा, नहीं आया तो बोलो। ड्रेनेज गैलरीज को मैं एक बार आपको दिखाता हूं कैसी दिखती है ड्रेनेज गैलरी, एक सेकंड दो मेरे को। हाँ चलो देखते हैं ड्रेनेज गैलरी को एक बारी और आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कैसा ये दिखने वाली है। तो ये होगी आपकी ड्रेनेज गैलरी, आपको ये दिख रहा है, इस तरफ अपना अपस्ट्रीम साइड होगी और इस तरफ अपना डाउनस्ट्रीम साइड होने वाली है। तो ये ड्रेनेज गैलरी यहाँ पे है, आपको दिया गया है कि मान लो अगर नीचे से कोई भी अपलिफ्ट प्रेशर लगता है, प्रेशर क्यों लग रहा है अगर मान लो मैं दीवार के अगेंस्ट खड़ा हो जाऊं, ये दीवार है मेरे सामने, ये मेरा दीवार है, मैंने यहां पे अपना हाथ आगे ले जाना है और ये दीवार सामने आ गई, अब मैं लगा रहा हूं प्रेशर की दीवार हट जाए और दीवार को मैं थोड़ा थोड़ा खिसकाने लग गया। उसी तरह से नीचे जो पानी आता है वो पानी भी ऐसे डैम को ऊसा उठाने लगता है, जैसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेने जब गए थे तो पहाड़ उठाया था ना, वैसे ये पानी जो है इस तरह से डैम को उठाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन मान लो कि यहां से जो वॉल है यहां हो ही ना, तो कोई प्रेशर नहीं लगेगा। तो ये जो गैलरीज होती है ये क्या करती है, ये आपका जो नीचे से पानी आने की कोशिश करता है, जो फोर्स लगा रहा होता है उसको सीप करके गैलरी में ले आता है और वहां से इसको आप फेंक सकते हो, ठीक है, कहीं और, मतलब अपना अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम साइड पे आप इसको रिलीज करवा सकते हो। बाकी आप देखे रहे हो उसका साइज कितना बड़ा है, इसी कारण से इसको आप मेंटेनेंस पर्पज के लिए भी यूज करते हो। समझ आ गया, लाइट वाइट भी लगवाई हुई है, बढ़िया, अभी सेट है सीन, अगर पहले नहीं था तो। अब मुद्दा आता है कि कैसे और कितना कम होने वाला है। देखिए अगर हमारे पास नहीं है ड्रेनेज गैलरी तो उस टाइम तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को देखने को मिला प्रेशर का वो ये दिखा, राइट,
जैसे ही यहाँ पे हमने गैलरी लगाई तो क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ गैलरी लगाई तो पता है क्या हुआ, मैं बताता हूँ, यहाँ पे हमें मिल गया एक रिडक्शन, यहाँ पे हमें मिल गया एक रिडक्शन इन आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। अब ये हो गया कुछ इस प्रकार से, यहां से ऐसे और ऐसे, ठीक है। मतलब इतना जो है, इतना एरिया जो है, या आप कह लो इतना फोर्स जो है वो कम हो गया, इतना फोर्स जो है वो कम हो गया। अगर आप बोलते हो इस इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, तो वो हो जाएगी आपकी गामा डब्ल्यू स्मॉल एच प्लस गामा डब्ल्यू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाय थ्री। कैपिटल एच क्या है, स्मॉल एच क्या है, ये आप समझ ही चुके हैं। फटाफट से बोल दो, डाउट है तो पूछो, क्लियर है तो बताओ। एवरीबडी क्विकली, ये आपका इन एब्सेंस ऑफ ड्रेनेज गैलरी और ये आपका इन प्रेजेंस ऑफ ड्रेनेज गैलरी। ये गलत बनाया हुआ है, कुछ इस प्रकार से इसको दिखना चाहिए। पूछिए सर, डाउट है तो। फुल पावर के साथ एवरीबडी, ये आपका सेकेंड सबसे मेजर वो जो होता है ना फोर्स एक्सटर्नल वो होता है, राइट। बढ़िया, इसके बाद आता है आपका अर्थक्वेक फोर्स, ठीक है। अर्थक्वेक फोर्स की वजह से जो डैम टूटता है, तो आपने देखा होगा अगर सैन एंड्रियाज मूवी, किस किसने यहाँ पे सैन एंड्रियाज मूवी देखी हुई है, किस किसने यहाँ पे सैन एंड्रियाज मूवी देखी है, तो सैन एंड्रियाज मूवी में आपने देखा होगा कि वहां पे जो डैम होता है वो डैम टूट जाता है, किसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है, और किसी वजह से तो टूटता नहीं है, अर्थक्वेक की वजह से वहां पे वो डैम टूट जाता है, राइट। तो इसी प्रकार से यहां पे भी होता है, देखिए जब भी कभी अर्थक्वेक आएगा ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे आसपास जो चीजें होती है उनमें एक मोमेंटरली एक्सेलरेशन आ जाता है, एक मोमेंटरली एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। जब भी कभी हम देखते हैं कि अर्थक्वेक आता है, बिल्डिंग हिलने लगती है, मतलब उसमें एक मोमेंटरली एक्सेलरेशन आ जाता है। अब वही सेम चीज डैम के साथ होने वाली है। तो अब डैम के पास देखो दो वो हैं, कि या तो इसके पास क्या होता है कि मान लो चलो यहां से इंपैक्ट आया, राइट, तो अब डैम जो है एक तो उसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन महसूस होगी, एक उसको वर्टिकल एक्सेलरेशन महसूस होगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं वर्टिकल एक्सेलरेशन की। अब आप मुझे बताओ, अगर डैम नीचे से ऊपर जाता है तो ज्यादा दिक्कत है, या ऊपर से नीचे आएगा तो ज्यादा दिक्कत है, मतलब अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, या अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सभी लोग बोलेंगे विथ फुल पावर, एवरीबडी एवरीबडी, और ये आपको कभी भी आगे डाउट नहीं आएगा, इसकी मेरी गारंटी है कि ऊपर लेना है कि नीचे लेना है इसको। सब लोग बताइए, एवरीबडी आंसर प्लीज, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, एवरीबडी ये बताओ कि मेरे फैजल का, यानी कि मेरे डैम का, ग्रेविटी डैम का जो फैजल है वो कौन है, सेल्फ वेट है, राइट, सेल्फ वेट है। अगर अपना सेल्फ वेट कम हो जाएगा तो फैजल कमजोर हो जाएगा, राइट, बदला नहीं ले पाएगा किसी से भी। तो दोस्त यहां पे एक बात समझो, आप एक इमेजिन करो, आप एक लिफ्ट के अंदर बैठे हो, अब इमेजिन करो आप एक लिफ्ट के अंदर बैठे हो, और लिफ्ट जो है एक बार ऊपर जा रही है, एक बार नीचे आ रही है, आपके पास कोई काम है नहीं, तो आप एक बार ऊपर भी गए, एक बार नीचे भी आए, राइट। तो अब आप मुझे बताओ, जब आप ऊपर गए थे तब आप हल्का फील कर रहे थे, या जब आप नीचे गए थे तब आप हल्का फील कर रहे थे, कब आपको लगा कि आपका वेट कम हो गया है, जब आप ऊपर की तरफ गए थे तब, या जब आप नीचे की तरफ गए थे तब। एवरीबडी, एंड अगर यू आर एंजॉइंग द सेशन भाई, फुल पावर से लाइक बटन जोरदार तरीके से बताइए सर, जब आप ऊपर जाएंगे तब आपको बॉडी हल्की लगती है, जब आप नीचे आते हैं तब आपको बॉडी हल्की लगती है। बिल्कुल सही, जब भी कभी लिफ्ट नीचे आती है मुझे अपनी बॉडी में हल्का हल्का फील होता है, यानी कि मुझे अपना वेट कम लगता है। और अगर दोस्त मुझे अपना वेट कम लगता है तो लगता रहे, लेकिन अगर बेटा डैम को अपना वेट कम लगने लगा, तो भाई साहब उसकी तो असली ताकत, उसका तो असली हथियार वेट ही था, ग्रेविटी डैम का असली हथियार तो सेल्फ वेट था। सेल्फ वेट कम हो जाएगा तो बेचारा क्या करेगा, जितने भी फोर्सेस हैं उसको पकड़ लेंगे, अकेले में कूट देंगे। तो इसी वजह से हम लोग यहां पे लेते हैं नीचे की तरफ वाली एक्सेलरेशन को एज अ क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, हर एक बॉडी के पास अपना अपना एक क्या होता है दोस्त, इनर्शिया रहता है, ठीक है। इनर्शिया में क्या रहता है कि बॉडी अगर चल रही है तो चलती रहना चाहती है, बॉडी अगर रुकी है तो रुके रहना चाहती है, ठीक है।
जैसे कि अपन ने पहले भी एग्जाम्पल लिया है, मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी। अब जमीन चलने लगी, मैं रुका रहा, क्यों? क्योंकि मेरा इनर्शिया जो था, जो मेरी बॉडी थी, वो रेस्ट में थी और मैं रेस्ट में रहना चाहता हूं, राइट? क्यों मैं जमीन के साथ नहीं चलता चला गया? जैसे ही नीचे से जमीन खिसकी, मैं गिर गया। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी थी वो रेस्ट में थी और रेस्ट में था। उसी प्रकार से हमारा जो डैम है वो रेस्ट में था और वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, लेकिन नहीं, एक्सेलरेशन तो आएगा। अब जैसे ही एक्सेलरेशन आया नीचे की डायरेक्शन में, क्या हुआ? जैसे एक्सेलरेशन आया नीचे की डायरेक्शन में, क्या हुआ? आपका इनर्शिया फोर्स लगा, वो भी उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर, क्योंकि भाई वो तो अपना अपनी जगह पे रहना चाहता है ना। एक्सेलरेशन कह रहा नीचे चल, वो कह रहा भाई मैं तो यहीं रहूंगा, मैं नहीं जा रहा, राइट? तो यहां पे क्या हो गया दोस्त, जो हमारा सेल्फ वेट था ना, जो हमारा सेल्फ वेट था, उसमें से आपका जो वर्टिकल इनर्शिया, ये जो ऊपर की तरफ लग गया फोर्स, वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आपका जो इफेक्टिव वेट आता है ना, अब वो ऑब्वियसली कम आता है आपके सेल्फ वेट से। इसी कारण से नीचे जाने वाला जो एक्सेलरेशन है वो ज्यादा क्रिटिकल होता है। अगर फील आ गया है तो हार्ड साइन, डाउट आ गया है तो डाउट पूछ लो, डाउट आ गया है तो डाउट पूछ लो। अब मेरे को ये बताया कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन विच इज कॉज ड्यू टू द अर्थक्वेक, ठीक है, मास इंटू, ये कर दिया यहां से। मास को अपन डब्ल्यू बाय जी भी लिख सकते हैं, वेट अपॉन जी, राइट, W माइनस डब्ल्यू जी अल्फा वी, और यहां से इफेक्टिव वेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा सर W कॉमन लेकर के 1 माइनस अल्फा वी बाय जी। बोल दो भाई, सेट है सीन, मजा आ गया, और बस अब नहीं बोलेंगे कभी भी कि नीचे ज्यादा डेंजरस लग रहा है या ऊपर ज्यादा डेंजरस लग रहा है। एवरी वन क्विकली काइंडली रिस्पॉन्ड, काइंडली रिस्पॉन्ड, क्लियर है? गजब, आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल केस में, लेफ्ट जाएगा तो डेंजरस है, राइट जाएगा तो डेंजरस है। बोलो, लेफ्ट जाएगा तो डेंजरस है या राइट जाएगा तो डेंजरस है अपने डैम के लिए, जैसा आपको हो वैसा, और उसकी वजह भी जरूर दे देना। तो यहां पे एक बात जान लो दोस्त, अगर अपनी एक्सेलरेशन लेफ्ट में होती है, ठीक है, तो उसका जो अपना जो फोर्स लगेगा इनर्शिया वाला, इनर्शिया के कारण, वो लगेगा राइट में। और उसी तरह से अगर अपना एक्सेलरेशन होती है इस डायरेक्शन में, तो अपना फोर्स जो लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट में। अब आगे भाई मेरे, अगर हमने एक्सेलरेशन दी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में ऑलरेडी मेरे पास फोर्स है। कौन सा? ये जो बेटा यहां पानी भर रखा है ना आपने, उसका, ये जो यहां पे पानी भर रखा है ना उसका, तबाही मच जाएगी, समझ रहे हो, तबाही मच जाएगी, राइट? तो इसी वजह से हमें देखना है कि एक्सेलरेशन जो है हमारी वो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, वो हमारा क्रिटिकल केस हो जाएगा, राइट? सेम यहां पे भी वही कहानी है, आप एफ आई एच की वैल्यू निकाल सकते हो एम इन टू रो गामा एच करके। अब यहां पे जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है ना, वो पता क्या है कि जैसे ही एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, आपका जो पहले हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कुछ इस प्रकार से दिखता था ना, पहले तो लीनियर हुआ करता था, आसान था, सब कुछ मजे में चल रही थी लाइफ, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये लेफ्ट हैंड साइड गया, जैसे ही ये लेफ्ट हैंड साइड गया दोस्त, उसी टाइम पे हमने देखा, ओ ये तो पैराबोलिक हो गया, ये तो अब हाइड्रो स्टैटिक ना रहा, अब ये डायनेमिक हो गया, क्योंकि ये मोशन में आ गया। अब यहां पे हाइड्रोडायनेमिक फोर्स लग रहा है, ना कि हाइड्रो स्टैटिक फोर्स, और हाइड्रोडायनेमिक फोर्स जो लगता है वो आपका पैराबोलिक वेरिएशन दिखाता है, ठीक है भाई? ठीक है भाई, तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा, तो सर मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये प्रेशर फोर्स हो जाएगा आपका पीएच इज इक्वल्स टू 0.555 के गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर एट द रेट, यानी कि लगेगा ये कहां पे, 4h/3π फ्रॉम बेस, बेस से 4h/3π पे ये लगेगा, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 4h/3π। बोल दो भाई, सेट है क्या? RJ13SGNR, सर आपको मैंने कल भी बोला था कि बिल्कुल करवा देंगे, मैं आपको फिर आज भी बोल रहा हूँ कि बिल्कुल करवा देंगे। अब आप अगर आप कल फिर से बोलोगे कि करवा दो, फिर तो नहीं करवाएंगे, ठीक है, फिर दिक्कत है, सेट है भाई। अब आगे देखते हैं वेव प्रेशर। अब वेव प्रेशर में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि वेव्स भी चलती हैं, क्योंकि विंड वगैरह की वजह से वेव्स जनरेट हो जाती हैं, राइट? और फिर बाकी अपना वो जो मून से ग्रेविटेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो तो है ही है। अब इस वेव की वजह से जो फोर्स लगने वाला है, वहां पे हमें ध्यान रखना पड़ता है एक चीज का, जो कि होता है आपका हाइट ऑफ वाटर, कि भैया हाइट ऑफ वाटर कितना आएगा, राइट?
हाइट ऑफ वाटर निकालने के यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं जो कि डिपेंड करते हैं आपके फेच के ऊपर। अगर फेच आपका इतना है 32 के बराबर है, 32 किलोमीटर के बराबर है तो फॉर्मूला ये यूज होगा, और अगर 32 किलोमीटर से ज्यादा है तो फॉर्मूला ये यूज होगा। अब फेच होता क्या है? फेच होता है आपका सबसे दूर तक जो आप देख सकते हो किसी भी एक डैम की एक्सिस से, वो होता है आपका फेच। जैसे कि कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से मुझे दिख रहा है, राइट, और यहां अपना डैम है, ठीक है, यहां अपना डैम है, तो इस डैम से यहां से मैं जो सबसे दूर देख सकता हूं ना, वो मैं देख सकता हूं यहां तक, राइट। तो ये हो गया मेरा फेच, ये हो गया मेरा फेच। इसको आप इस तरह से भी समझ लो कि जो आपकी वेव आएगी ना, वो इंटरप्ट नहीं होगी किसी भी जगह से। तो इसी वाले जो पाथ है, इस वाले पाथ की जो वेव होगी, वो किसी भी जगह से इंटरप्ट नहीं होगी। देखो सीधी सीधी लाइन आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे है नहीं, राइट राइट। एक बार आपने निकाल लिया SW का वैल्यू, तो यहां से मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका प्रेशर फोर्स एक्ट होने वाला है यहां पे, जो प्रेशर फोर्स एक्ट होने वाला है आप यहां पे, मैं आपको यहां पे बताता हूं दोस्त, दैट वुड बी, लिखते जाओ ये सब, लिखते जाओ ये सब, दैट वुड बी 2.4 गामा डब्ल्यू HW, राइट। और ये एक्ट कहां पे करेगा, एक्ट कहां पे करेगा, और ये मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट, देखो फोर्स ड्यू टू वेव 2 गामा डब्ल्यू SW स्क्वायर, गामा डब्ल्यू अपना यूनिट ऑफ वाटर हो गया, SW अपना हाइट ऑफ वेव हो गया, राइट। हाइट ऑफ वेव कैसे निकालोगे, फेच के ऊपर डिपेंड करता है, 32 किलोमीटर से अगर कम ज्यादा है उसके हिसाब से देख लेना आपने जो फॉर्मूला दिया है वहां पे। एंड ये लगेगा कहां पे, ये लगेगा दोस्त अपने 3 HW/8 अबव SWL, अबव SWL। SWL क्या होता है, SWL होता है आपका स्टिल वाटर लेवल, मतलब जब कोई वेव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उस वक्त पे जो लेवल होगा अपने पानी का वो कहलाएगा स्टिल वाटर लेवल, ठीक है। तो स्टिल वाटर लेवल से आपका 3 HW/8 हाइट पे लगता है आपका ये फोर्स वेव वाला, जिसकी वैल्यू होती है 2 गामा डब्ल्यू SW स्क्वायर। सेट है क्या भाई, सब लोग एक बार बोल दो, सॉइल हो गया क्या अपने अपने बैच में, बैच बैच ही लगता है मुझे तो, ये यूट्यूब तो लगता नहीं है, आप लोग की रेगुलरिटी देख करके, रोज आते हैं आप लोग, मजा आ जाता है देख करके। तो आप मुझे फटाफट से बताइए क्या आपकी क्लास में सॉइल हो चुकी है अभी तक या नहीं, जियोटेक्निकल हो गई है या रह गई है, ठीक है। अगर हो भी गई है तो ठीक, नहीं भी हुई है तो भी ठीक, इतना तो पता होगा ना, एक्टिव और पैसिव के बारे में तो कॉन्सेप्ट पता होगा ना, रिटेनिंग वॉल में पढ़ा होगा, एक्टिव एंड पैसिव करके आपने रिटेनिंग वॉल में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अच्छा हो भी गया, बेहतरीन भाई बेहतरीन। तो आपको पता होगा कि आपका जो एक्टिव सिल्ट प्रेशर कोफिशियंट होता है, एक्टिव प्रेशर कोफिशियंट जो होता है वो क्या होता है, 1 - sin5/1 + sin5, यही होता है ना, यही होता है। तो देखो यहां पे क्या होता है कि इस तरह से सिल्ट इकट्ठी हो जाती है अपनी ना, सिल्टिंग हो जाती है क्योंकि पानी तो रुका हुआ है। ये सिल्ट क्या करती है, ये भी ना प्रेशर देती है यहां पे, ये भी छोटी सी है उम्र, देखो क्या क्या ही है इसकी हाइट, फिर भी दे रही है, राइट। तो यहां से आपका जो प्रेशर निकल के आता है दोस्त, ये बिल्कुल वही है जो आपने उस टाइम रिटेनिंग वॉल में देखा होगा, यहां से जो आपका निकल के आएगा फोर्स वो हो जाएगा KA, एक्टिव कोफिशियंट जो है आपका यहां पे, राइट राइट, KA γS यूनिट वेट ऑफ सिल्ट, HS आपका हाइट ऑफ द सिल्ट डिवाइड बाय 2। एक्ट कहां पे करेगा, ट्राइंगल ही तो है, जहां पे भी ट्राइंगल हो ये आपके HS/3 फ्रॉम बेस एक्ट करेगा ये वाला फोर्स, सही है, इसको याद रखना। ये अभी तक ज्यादा पूछा तो नहीं गया है, बट पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता आपका आइस प्रेशर, तो आइस प्रेशर का ज्यादा कोई सीन नहीं है, हर जगह होता भी नहीं है, अपने यहाँ तो इंडिया में तो नहीं है कहीं पे, लेकिन फिर भी हम सीख लेते हैं कि जो आपका आइस प्रेशर का, आइस प्रेशर, आइस देखो, आइस को जब भी आप कभी फ्रिज में रखोगे, अगर मान लो कोई ना पूरा का पूरा पानी आपने ग्लास में भर के फ्रीजर में रख दिया, पानी का ग्लास लिया उसको टॉप लेवल तक भर करके फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, सुबह जब आप उठते हो तो क्या देखते हो कि उसमें से जो बर्फ जमी होती है वो बाहर की तरफ निकल रही होती है, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि वो एक्सपैंड करती है, ठीक है। तो उसी टाइम पे क्या होता है कि जब भी कभी आइस बनती है या आइस मेल्ट होती है, उस टाइम पे अपने जो डैम है उसको एक फोर्स महसूस होता है, जिसको हम बोलते हैं आइस प्रेशर फोर्स, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 250 से 1500 kN/m² के बीच में रहता है, एवरेज अगर ले रहे हो तो एवरेज 500 kN/m² रहता है ऑर्डिनरी कंडीशन में, ठीक है सर। अब आगे देखते हैं विंड प्रेशर, तो विंड प्रेशर मैं आपको बता देता हूं यहां पे, ज्यादा मतलब ध्यान यहां पे देना भाई, यहां देखना है बॉयज, सारा ध्यान यहां पे, प्लीज प्लीज फोकस हियर ओनली, दीदी को नहीं देखना है, ठीक है। अब देखो यहां पे दोस्त की विंड प्रेशर में, अब आप जान लो
विंड एक बहुत ही घातक चीज है, ठीक है। जब बिल्डिंग बिल्डिंग भी डिजाइन की जाती है उस टाइम पे भी हम लोग विंड का खास ध्यान रखते हैं, ठीक है। तुम लग यार फोकस नहीं करोगे, हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब जब जब भी कभी हम लोग बिल्डिंग बिल्डिंग का डिजाइन भी करते हैं तो विंड का हम लोग खास ध्यान रखते हैं, उसके हिसाब से स्ट्रीमलाइन करके हम लोग बनाते हैं अपनी बिल्डिंग को, ताकि किसी भी तरह का हमारा वहां पे वेक जोन जो बन जाता है वो परेशानी ना करे हमारी बिल्डिंग के लिए, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे भी वही हिसाब है, विंड प्रेशर का जो खेल है पूरा का पूरा, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को डिजाइन देखना है इसका। तो अगर हम बात करते हैं विंड प्रेशर की दोस्त, तो यहाँ पे जो विंड प्रेशर होता है इसकी वैल्यू लगभग लगभग 1 से 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ली जाती है। ये एक्ट कहां पे होता है, ये एक्ट कहां पे होता है, ये एक्ट होता है आपके जो भी एक्सपोज्ड एरिया होता है डैम का वहां पे। जैसे मान लो ये हमारे पास एक डैम है, ठीक है, मान लो ये अपना एक डैम हो जाएगा और यहाँ पे इतना वाटर भरा हुआ है, तो अपना एक्सपोज्ड एरिया ये वाला है, तो यहाँ पे लगेगी विंड, और वो भी बिल्कुल यूनिफॉर्मली लगेगी, राइट, यूनिफॉर्मली लगेगी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कहाँ पे लग रही है ये, तो आप बोलोगे कि जितना भी आपका डेप्थ है ना एक्सपोज्ड वाली उसके हाफ पे, यानी कि ये लगेगी, मान लो अगर ये हाइट आपकी पानी की कैपिटल एच है, तो ये एक्ट होगा आपका फ्रॉम बेस, अगर मैं बोलता हूँ एच प्लस डी ई बाई टू पे। इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब भाई देखते हैं जो हमने सारा का सारा पढ़ा अभी तक, उसको ध्यान से एक बार और, ये रहा डैम, आर्टिस्ट बाहर आ रहा है अंदर से, बढ़िया सा डायग्राम बनाएंगे आपके लिए। ये लो भाई, ठीक है, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे कौन कौन से अपने जो फोर्सेस थे ना, देखो हाँ एक और चीज बता दूं मैं, इसको बोलते हो आप हील, हील इसको बोलते हो टो, अपने पैर की तरह होता है बस, ये जैसे अपना पैर है ना वैसे ही है। अब ध्यान से समझो यहाँ पे एक चीज, जो जो फोर्सेस अपने एक्ट हो रहे हैं मैं उनके एक एक करके बताता हूँ। अपना सबसे पहले जो अपन ने फोर्स देखा था वो कौन सा था, हमने देखा था वाटर वाला, ठीक है, ड्यू टू वाटर। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये मोमेंटम बना रहा है ना, जो मोमेंट आ रहा है अबाउट द टो, अबाउट द टो जो मोमेंट आ रहा है ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये आ रहा है अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये भाई मतलब कह रहा है पलट जा, ठीक है, बन जा विकास दुबे की गाड़ी, ठीक। लेकिन हमने अपने डैम को विकास दुबे की गाड़ी नहीं बनने देना है, राइट, कैसे रोकेंगे वो भी बताऊंगा। पहले हम देखते हैं कौन कौन है जो चाहता है कि हमारा डैम बन जाए विकास दुबे की गाड़ी। पहला तो हो गया आपका ये वाला वाटर का प्रेशर, दूसरा जो हमने देखा था वो था आपका अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर कहां से, यहां से एक्ट करेगा, राइट। और ये भी अगर मैं इसका मोमेंट देखता हूं टो के अबाउट, तो ये भी कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये तो इसके साथ मिल गया, ये दोनों मिलकर के पलटाएंगे, ठीक है, इन्होंने तो पार्टी बदल ली। इसके अलावा हमने जो देखा था वो था आपका वेव प्रेशर, वेव प्रेशर अपना लग रहा था यहां पे, वेव प्रेशर लग रहा था अपना इधर कहीं पे, इसको देखते हैं इसका मोमेंट अबाउट टो, ये भी पार्टी बदल लिया, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है भाई, ये भी पलटा रहा है, राइट, ये भी पलटा रहा है। इसके अलावा हमने जो देखा था वो था आइस प्रेशर, आइस प्रेशर मान लो यहां लगेगा, ये भी भाई साहब गाड़ी पलटाने के पूरे मूड में, ठीक, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। इसी तरह से हमारे पास जो था एक विंड प्रेशर भी लग रहा है यहां पे, ये भी आपके पूरे के पूरे डैम को जो है वो करने की कोशिश कर रहा है ओवर टर्न, ये सारे के सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके डैम को ओवर टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आता है हमारी पिक्चर का हीरो, हमारा सिंगम और हमारा फैजल, जो कि है आपका डैम का सेल्फ वेट। देखो सेल्फ वेट का जो मोमेंट है अबाउट द टो, ये जा रहा है इनके सबके अपोजिट, लड़ता हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यही है जो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं कि सेल्फ वेट ही है फैजल जो सबका बदला लेगा, विंड प्रेशर का, आइस प्रेशर का, वेव प्रेशर का, सिल्ट प्रेशर का, वाटर प्रेशर का, अपलिफ्ट प्रेशर का। समझ रहे हो भाई, फील आ गया पूरे डैम का। किसी को कोई भी डाउट आया हो अभी तक, जो भी डिस्कशन हुआ है उसमें से, आप प्लीज पूछ लो, मैं वेट कर रहा हूं। और अगर मजा आ गया है तो हार्ट साइन की बारिश और जोरदार तरीके से लाइक बटन को भी तो दबाना है। एंजॉय कर रहे हो तो एंजॉय भी करो, समझो भी कॉन्सेप्ट को, केवल पढ़ने ही नहीं आते यहां पे, एंजॉय भी कीजिए। आप कॉन्सेप्ट अगर एंजॉय करके समझ सकते हैं
तो मुंह सड़ा के क्यों पढ़ाना। सही है भाई, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, बिल्कुल सही बात है। तो हमारी जो ओवरटर्न करने वाले हैं ना, इस मोमेंट को हम बोलेंगे ओवरटर्निंग मोमेंट, इसको हम बोलेंगे ओवरटर्निंग मोमेंट। और जो हमारा जो ये है ओवरटर्निंग मोमेंट है इसको, सॉरी MO से लिखूंगा मैं, ओवरटर्निंग। और जो अपना जो बचा रहा है, जो बचाता है यानी कि जो रजिस्ट करता है इस ओवरटर्निंग को, वो हो जाता है हमारा रजिस्टिंग मोमेंट। जो ओवरटेन कर रहा है वो है वो भाई, बार बार मत लिखिए दोस्त, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, 30 ml काइंड डोंट। ठीक है दोस्त, अब यहां पे हमारे पास एक है रजिस्टिंग मोमेंट और एक है ओवरटर्निंग मोमेंट। बचाने वाला कौन, मारने वाला कौन, बचाने वाला कौन, मारने वाला कौन, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो भाई। अबे यार क्यों परेशान कर रहे हो भाई, प्लीज प्लीज मत करिए, न्यूसेंस मत कीजिए क्लास में, काइंड रिक्वेस्ट। हाँ जी सर, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे हमारे M0 के बारे में, और सॉरी MO के बारे में। ये अपना ओवरटर्निंग मोमेंट है और MR अपना रेजिस्टिंग मोमेंट है। ठीक है भाई, ने बस यही सीखा और शुरू हो गया आगे कि बस हाँ भाई सेल्फ रेस्टोरिंग फोर्स। अरे यार क्लास चल रही होती है सर, प्लीज सर प्लीज सर, क्लास चल रही है, एक बार लिखना होता है दोस्त, एक ही बार लिखना होता है। हम समझ जाएंगे ना, हम आपकी जो वो है फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, चिंता मत कीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे दोस्त, हमारा जो ओवर टर्निंग मोमेंट है ये हो जाता है मारने वाला, ठीक है, और ये हो जाता है रजिस्टिंग बचाने वाला। मुझे सच सच बता दो दोस्त, सभी लोग सभी लोग, बचाने वाला बड़ा होता है या मारने वाला बड़ा होता है इस जालिम दुनिया के अंदर? सब लोग बोलेंगे फुल पावर के साथ, मारने वाला बड़ा या बचाने वाला बड़ा इस जालिम दुनिया के अंदर कौन बड़ा है, जल्दी बता दो फुल पावर के साथ, किसको ज्यादा इज्जत मिलेगी? ज्यादा इज्जत मिलती है भाई साहब बचाने वाले को, ज्यादा इज्जत मिलती है बचाने वाले को। तो हमेशा याद रखना है, बचाने वाला मारने वाले से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो डिजाइन जब करोगे ना तो भी ये बात याद रखना, तो भी ये बात याद रखना कि आपका जो बचाने वाला होगा वो बड़ा होगा हमेशा मारने वाले से। ठीक है, तो अब यहां पे हम देख सकते हैं कि जो आपका समेशन ऑफ ऑल दी रजिस्टिंग मोमेंट है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल दी ओवरटर्निंग मोमेंट है, इसका रेशियो हमेशा बड़ा होना चाहिए 1 से। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1.5 से बड़ा होना चाहिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसकी 1 होती है, लेकिन फॉर डिजाइन कंडीशन ये 1.5 होती है। सेट है क्या सीन फुल पावर के साथ? अभी कोई डाउट किसी को भी? सेट है ना भाई, बढ़िया। अच्छा देखो, कभी कभी ये भी हो सकता है कि भाई ये वाला जो अपना डैम है ये स्लाइड करने लग जाए, तो वो कौन है जो इसको स्लाइड नहीं होने देगा? वो कौन है जो इसको स्लाइड होने नहीं देगा, प्लीज बताइए सर, बताइए प्लीज, वो कौन है जो इसको स्लाइड होने नहीं देगा? अपना फोर्स, फोर्स ऑफ व्हाट? फ्रिक्शन। सही है, फ्रिक्शन फोर्स है, नहीं होने देगा उसको स्लाइड। आप अपना कितना होता है म्यू एन, एन बोले तो अपना नॉर्मल रिएक्शन जो होती है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है इसमें? अपने वर्टिकल फोर्सेस, अपने वर्टिकल फोर्सेस। ठीक है, अपने वर्टिकल फोर्सेस। तो यहां देख लेते हैं, स्लाइडिंग से जो हमको बचाएगा वो होगा हमारा म्यू एंड समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ही हो गया, और जो बेटा मारेगा वो होगा आपका सारे के सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सारे के सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, और ये होना चाहिए आपका 1 से बड़ा। क्लियर हो गया? किसी कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है, क्लियर है तो बता दो। सेट है, क्लियर? बढ़िया, अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है एलिमेंट्री प्रोफाइल का,
एलिमेंट्री प्रोफाइल में कुछ रिजल्ट्स होते हैं आपके, जो आपको सवाल जो है डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। कहाँ गया भाई अपना, इधर ही लिख देते हैं यार, कोई बात नहीं। राइट, एलिमेंट्री प्रोफाइल क्या होता है? बेसिकली हमारे पास, हम एलिमेंट्री प्रोफाइल में एक डैम को ही कंसिडर कर लेते हैं, थ्योरेटिकल डैम होता है एक तरह से, ठीक है, जिसमें आपका राइट एंगल ट्राइंगल शेप का डैम रहता है, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि रिजर्वायर जब फुल होता है, वो वाला केस आपके एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे पहली चीज इसमें ये है कि अगर मान लो रिजर्वायर फुल है, मतलब इसमें पानी भरा हुआ है, तो हम अगर चाहते हैं कि इसमें टेंशन फेलियर ना हो, इसमें टेंशन फेलियर ना हो, तो विड्थ ऑफ द डैम कितनी रखनी चाहिए? तो विड्थ ऑफ द डैम कितनी रखनी चाहिए, अगर ये सवाल हमसे पूछा जाता है, तो हम बोलेंगे बी क्रिटिकल होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर नो टेंशन, फॉर नो टेंशन द क्रिटिकल विड्थ शुड बी इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, देख लूंगा दोस्त, सर बहुत टाइम के बाद मिला। हाँ सर, आप कहाँ, क्या हाल है? सो बी क्रिटिकल जो आएगा आपका यहां पे आ जाएगा, पहले तो हम देख लेते हैं मिनिमम कितना हो सकता है, फिर हम क्रिटिकल की वैल्यू भी देखेंगे। तो आपका मिनिमम जो हो जाएगा विड्थ, वो हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट एस सी माइनस सी। एस सी क्या है आपका? एस सी आपका है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट है, और सी क्या है? सी आपका एक वो है, क्या कहते हैं इसको, आप वो ले लो, एक कांस्टेंट है। अगर आप अपलिफ्ट को, अगर आप अपलिफ्ट फोर्स को कंसिडर कर रहे हो, तो आपने सी की वैल्यू 1 रखनी है, और अगर आप अपलिफ्ट को कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो आपको सी की वैल्यू 0 रखनी है, बस इतना सा है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं क्रिटिकल वैल्यू बताओ, तो क्रिटिकल वैल्यू हो जाती है इसकी जब आप सी को कंसिडर नहीं करते हो, यानी कि एच अपॉन अंडर रूट एस सी। ये हो गया आपका क्या, विड्थ, यानी कि क्रिटिकल विड्थ, ठीक है। इसी की तरह अगर हम देखते हैं फॉर नो ओवर टर्निंग, फॉर नो ओवर टर्निंग, यहां लिखता हूं मैं, फॉर नो ओवर टर्निंग का केस अगर आता है, तो उस केस में दोस्त हमारा जो बी मिनिमम हो जाएगा, वो हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट टू एस सी माइनस सी। और क्रिटिकल के लिए क्या करना है, सी को 0 पुट कर दो और क्रिटिकल वैल्यू लेके जाओ मजे से, ये हो जाएगा 2SC। सेट है, अपलिफ्ट कोफिशिएंट बोल सकते हैं हम इसको, बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ अगर मेरे को स्लाइडिंग फेलियर को अवॉइड करना है, अगर मेरे को स्लाइडिंग फेलियर को अवॉइड करना है, उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में आपका मिनिमम बी जो हो जाएगा, वो हो जाएगा सर एच अपॉन म्यू, यानी कि आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एस सी माइनस सी। और अगर आप बोलते हो क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू इसका देखो लंबा थोड़ा प्रोसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली, तो उसको याद रखना है, इसके बारे में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा। तो यहां से बी क्रिटिकल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच म्यू एस सी। और लास्ट जो होता है आपका क्रशिंग फेलियर को रोकने के लिए, टू अवॉइड द क्रशिंग फेलियर, क्या वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए, मिनिमम विड्थ जो होना चाहिए आपका, यहां पे देखो क्रशिंग के टाइम पे हमको हाइट से मतलब है, ठीक है। तो यहां पे जो आपका मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एफ अपॉन गामा डब्ल्यू एस सी माइनस सी प्लस 1, ठीक है। और जो आपका क्रिटिकल वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी, इसमें से आप फिर से सी को कंसिडर मत करो, एस सी प्लस 1। फटाफट से मेरे को बता दो, समझ आ गया या नहीं समझ आ गया, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप पूछो, क्लियर है तो अच्छी बात है, डाउट है तो आप प्लीज डाउट पूछिए, डाउट पूछिए। एफ आपका परमिसिबल स्ट्रेस कितना लग सकता है, वो है, ठीक है, सेट है क्या भाई, बोल दीजिए। यही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी डैम में से, ठीक है, ग्रेविटी डैम में से, इसके अलावा और ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ओके चलो भाई, बहुत ही सही, ये भी सेट हो गया सीन, बढ़िया। अब एक आधा क्लास और बची है इरिगेशन की, उसके बाद अपने कौन कौन सी क्लास होने वाली है, जो प्री प्लान क्लासेस है वो मैं बता दूं पहले से दोस्त, कि 6 बजे अपनी क्लास होने वाली है संडे को, संडे 6 बजे इसी चैनल पे हम करेंगे कंप्लीट फ्लूड मैकेनिक्स का रिविजन इन 2 आवर्स। इसमें ओपन चैनल फ्लो नहीं होगा, केवल फ्लूड मैकेनिक्स को कंसिडर करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपन कर लेंगे 30 क्वेश्चन इन 60 मिनट वाली सीरीज, 30x60 वाली सीरीज, कोई बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा नाम मेरे को सजेस्ट करना, ठीक है। 30 क्वेश्चन कराने हैं और 60 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो बढ़िया सी जो है एक सीरीज का नाम आप सजेस्ट करना मेरे को, इंस्टा पे कर देना, किसी को अगर जीवन में कोई समस्या परेशानी आ रही हो तो भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, कोशिश करेंगे अगर
समस्या का समाधान निकाल पाए। टेक्निकल डाउट्स है तो आप टेक्निकल डाउट पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, क्योंकि ये जो पीडीएफ है जो मैंने अभी लिखा है ये सब भी मैं उस पर भेजूंगा सेशन को तुरंत बंद करते ही। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम इस सेशन के लिए और फिर मिलूंगा मैं आपसे बहुत जल्द, और एक बेहतरीन सा, एक इंटरेस्टिंग सा सेशन भी आपके लिए लेके आने वाला हूं मैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेसिक और सबसे जो एक थिन लाइन होती है आपकी नोट्स और शॉर्ट नोट्स के बीच में वो क्या होती है और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए हुए हैं। और नोट्स जरूरी नहीं है कि पढ़ाने के लिए ही बनाते हो आप, नोट्स आप लाइफ में रेगुलर बेसिस पे भी बनाते हो। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा कि मैं जब आपको पढ़ाना होता है मेरे को तो मैं जो नोट्स बनाता हूं वो मैं कैसे बनाता हूं। ठीक है सर, चलो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई विल सी यू अगेन। टिल देन जस्ट आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है, एंड दैट इज जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, ड्रिंक वाटर रेगुलरली एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ एंड स्किन, एंड जस्ट प्रेप स्मार्ट, स्टे सेफ, गो ग्रिड अप। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो क्योंकि 3:30 बजे आने वाला है क्विज, जिसको आप लोगों ने सबको अटेम्प्ट करना है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई विल सी यू अगेन, टेक केयर।